छिन रही है, क्योंकि अभी वर्तमान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने 1 जुलाई 2024 से स्कूल का समय 9:30 बजे से 4:30 बजे तक आदेश दिए। शिक्षा विभाग से यह चिट्ठी इश्यू हो चुका है। समय को लेकर के पूर्व में भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ, विधानसभा के गेट पर माननीय सदस्यगण समय को लेकर के हंगामा किए और विधानसभा के पवित्र सदन में माननीय नीतीश कुमार जी भी ये आश्वासन दिए कि जो पूर्व में जो के पाठक साहब अपर मुख्य सचिव समय जो दिए हैं 9 बजे से 5 बजे उसमें हम बदलाव करेंगे। वही तो बात हुआ आधा घंटा का, ये अभी जो है वर्तमान अपर मुख्य सचिव 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक दिया। लेकिन आप देख सकते हैं माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो सदन में बिहार विधानसभा सचिवालय के सदन में माननीय सदस्य के नजदीक और माननीय अध्यक्ष महोदय के नजदीक पवित्र सदन में ये साफ कहे हैं कि मैं समय का बदलाव करूंगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। आप देख सकते हैं ये भला बताइए 9 बजे से सुबह से लेकर 5 बजे तक ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। अब मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि बच्चे को घेर करके रखना, बच्चे को इतना देर घेर करके स्कूल में रखना यह भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे का मानसिक तनाव भी हो जाएगा। दूसरी बात कि बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, समय के घेर करने के लिए नहीं। बच्चे के अभिभावक भी बोल रहे हैं कि हम मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, उसका प्रोग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन बच्चे को उतना देर घेर करके रखना और शिक्षक को भी साथ ही साथ घेर के रखना ये ठीक नहीं है। जबकि माननीय आपने सुना होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं वो बिहार विधानसभा सदन में माननीय सदस्यों के नजदीक ये घोषणा किए कि स्कूल के टाइमिंग में 10 बजे से 4 बजे रहेगा। 10 बजे से 4 बजे आपको जो है 6 घंटा हुआ। अब पदाधिकारी लोग जो शेड्यूल देखते हैं कि 7.5 घंटा रहना जरूरी है, सप्ताह में 45 घंटा रहना जरूरी है, तो आपको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बच्चे को पढ़ाने का मिनिमम 3 घंटा मैक्सिमम 4 घंटा का ही प्रावधान है। और प्राथमिक विद्यालय में वर्ष में 800 घंटा, मध्य विद्यालय में वर्ष में 1000 घंटा, इस हिसाब से प्रावधान है। और जो प्रावधान को जो रूल है उसको नहीं फॉलो करने में वो अच्छा नहीं होगा। और इस तरह से श्री डॉक्टर सिद्धार्थ साहब समय सारणी का जो आदेश दिए हैं, पता नहीं शिक्षा विभाग को सोशल मीडिया में रहने पर और पेपर के प्रिंट मीडिया के सामने में फेस में रहने पर पता नहीं इन लोगों को अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ निकाल दिए, हो गया वार्ता शुरू है। मैं माननीय श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ और शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी को भी मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप और माननीय मुख्यमंत्री जी आपस में डिस्कस करके डॉक्टर सिद्धार्थ साहब को आदेश दीजिए कि समय सारणी में चेंज करके वो चिट्ठी निकालें, जिससे बच्चे के भविष्य भी उज्जवल हो और शिक्षा भी ज्यादा तनाव नहीं हो। दोस्तों मैं आज नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ था, मैं फिर नई समाचार के साथ आपके सामने में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत। नया चिट्ठी इश्यू किया है जो 1 जुलाई 2024 से स्कूल का समय सारणी में चेंज किया गया है। सभी स्कूल का समय रहेगा 9:30 बजे से 4:30 बजे तक, जिसमें 9 बजे से 10 मिनट पहले शिक्षक को पहले ही आना होगा और 9 बजे से क्लास चलेगा। 9 बजे से लेकर के 11:55 तक
क्लास चलेगा और 11:55 से 12:35 तक बच्चे लोगों का मध्याह्न भोजन का प्रयोग किया जाएगा, उसको खिलाया जाएगा और 3:15 पर सामान्य बच्चे को छुट्टी दे दी जाएगी एवं 3:15 से 4 तक शाम तक मिशन दक्षता के अंतर्गत जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल में रोक लिया जाएगा और 4 से 4:30 तक बच्चे लोगों का होमवर्क है तो शिक्षक लोग देखेंगे। आप सभी को मालूम हो गया होगा, देखिए हमारे जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनियुक्त डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब हैं, बहुत ही सहनशील हैं लेकिन ये थोड़ा कठोर भी समय का जो है जैसे कर रहे हैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा सदन में ये बोले थे कि स्कूल का समय 10 से 4 तक रहेगा क्योंकि ऐसा होते आया है, लेकिन पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने चिट्ठी इशू नहीं किया और पूरे मीडिया में वायरल था कि के पाठक चिट्ठी इशू नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये भी भनक वर्तमान अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब है, उनको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे। लेकिन अब इसमें डिस्कशन की बात है कि शिक्षा विभाग से मेरे हिसाब से कुछ गलती हो गई। देखिए 9 से लेकर के 11:55 तक पढ़ाई होगा और 11:55 से 12:35 तक MDM मध्याह्न भोजन बच्चे को खिलाया जाएगा। उसके बाद 3:15 में सामान्य बच्चे को सभी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 3:15 से लेकर 4 तक मिशन दक्षता के अंतर्गत जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको रोक लिया जाएगा पढ़ाने के लिए 4 तक। और 4 संध्या से लेकर 4:30 तक बच्चे लोगों का छात्र छात्राओं का होमवर्क है उसको देखा जाएगा। अब यहाँ बात है कि जब कॉपी पर होमवर्क ये देखा जाएगा तो फिर ये कॉपी नेक्स्ट डे मिलेगा बच्चे लोगों को, तो फिर एक दिन तो गैप हो सकता है। एक दिन वो होमवर्क घर पर से बनाने के जाएगा तो कॉपी तो स्कूल ही में जाएगा, ये इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी बात कि होमवर्क जो शिक्षक करेक्शन करेंगे, सामने में विद्यार्थी स्टूडेंट रहता है कि जहां पर गलती हुआ करेक्शन हुआ तो विद्यार्थी देखता है और उसे सुधार करता है, या लिखावट में गलती हो या लिखावट में सही हो या अक्षर का बनावट हो। ये चूंकि विद्यार्थी जो है ये प्राइमरी एजुकेशन, ये जिस तरह से मकान का प्लिंथ में हर चीज को देखा जाता है उसी तरह से विद्यार्थी का कॉपी में जो गलती हुआ उसको सही करने के लिए शिक्षक और छात्र को या छात्रा को एक जगह जो है वो कलम कैसे घूमता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे करेक्शन होता है, वो होना जरूरी है। इसीलिए हमारे हिसाब से कि इसका जो शिक्षक लोग जो होमवर्क देखेंगे, बल्कि बच्चे लोगों को जो छुट्टी होता है 4 तो शिक्षक लोगों को भी 4 छुट्टी दे दिया जाए। माननीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुनी पूरी बात, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कर दी गई है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी हमारे भाई नियोजित शिक्षक हैं उनका जो है विद्यालय जाने का रूटीन जो है वो बदला जाए। और इस पे देखिए सीएम नीतीश कुमार ने भी अपनी बातों को रखा था और जब से नए जो हमारे ACS सिद्धार्थ जी आए हैं उन्होंने बदलाव की कोशिश भी की है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय।